Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार आप सभी को मैं डॉक्टर नरेश महीपाल दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पिछले दो व्याख्यान में हमने बीमा के अर्थ के बारे में जाना बीमा क्या है कुछ व्यवहारिक डेफिनेशंस के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल और फंक्शनल डेफिनेशंस के थ्रू हमने जानने की कोशिश की कि बीमा क्या है और क्यों जरूरी है हमने बीमा की प्रकृति को जानने की कोशिश की कि उसका क्या नेचर है हमने बीमा के फंक्शंस को जानने की कोशिश की कि उसके क्या कार्य रहते हैं प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं अदर फंक्शंस क्या हैं ये सारी चीज़ें हमने अपने पहले व्याख्यान में डिस्कस की बीमा के बारे में उसके उपरांत हमने दूसरे व्याख्यान में बीमा की ऐतिहासिक डेवलपमेंट उसके बारे में बात की कि बीमा आया बीमा कितने प्रकार का है सभी प्रकार के बीमा किस प्रकार से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं दुनिया में सबसे पहले क्या डेवलपमेंट्स रही उन सभी की और साथ बात की कि यहां पर बीमा किस प्रकार अस्तित्व में आया तुम्हें का बीमा क्या है उसके बाद की डेवलपमेंट्स की हमने बात की एक्सिस्टेंस में आया एलआईसी एक्ट किस तरह एग्जिस्टेंस में आया महत्वपूर्ण है कि हमने आईआरडीए की स्थापना के बारे में बात की में बात की तो कुछ ऐतिहासिक डेवलपमेंट अभी तक की बात की कि बीमा किस प्रकार उसने अपने आप को अपने आप को मजबूत किया कुछ समय पर जब वो फेल हो चुका था इस प्रकार से उसको दोबारा से स्ट्रीमलाइन किया और फिर उसके खुला दौर था बाजार का उससे फिर संगठित दौर प्रकार से उसको मार्केट के अनुसार दोबारे से उसको डेवलप किया सारी जर्नी जो थी डेवलपमेंट की वो हमने अपने दूसरे व्याख्यान में डिस्कस की हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो जीवन बीमा की अवधारणा के बारे में स्पेशली इट इज डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कैसे एग्जिस्टेंस में आया किस तरह से वो कार्य करता है कितने प्रकार से वो तो कार्य करता है इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आज जो टॉपिक्स हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कवर करने जा रहे हैं उनमें पहला टॉपिक होगा जीवन बीमा की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है आपका जीवन बीमा की अवधारणा क्या है दोबारे हम उसके बारे में बात करेंगे बीमा का दायरा जीवन बीमा का दायरा मतलब उसका स्कोप क्या है क्यों हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है हमें उसके स्कोप को डिस्कस करना होगा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीवन बीमा के प्रकार कि कितने प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं क्या वो चीजें हैं जो उसको इम्पैक्ट करती हैं उन चीजों को डिसाइड करने के लिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीवन बीमा अनुबंध का गठन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को जब हम गठित करते हैं वो कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्यों वो इतना महत्वपूर्ण है कि उनके बिना एक जीवन बीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो एक एक करके हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो जीवन बीमा की अवधारणा है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे प्रस्तावना में मैं आपको ये कह सकता हूं कि एक बीमा पॉलिसी धारक और एक बीमाकर्ता जीवन बीमा के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं जिसके तहत बीमा करता यानी कि इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी बीमा धारक की मृत्यु या पॉलिसी धारक के प्रीमियम भुगतान के बदले में पूर्व निर्धारित समय के बाद लाभार्थी को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से इस प्रमुखता इस बात में डिफ्रेंशिएट करता है कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आपके नुकसान की भरपाई करता है आपने दस लाख का बीमा करवाया नुकसान आपका तीन लाख का है तो आपके तीन लाख की भरपाई करेगा जबकि इसके उलट जीवन बीमा में यदि आप पॉलिसी टर्म के बाद जीवित रहते हैं सरवाइव करते हैं तो आपको जो एश्योर्ड अमाउंट है वो पूरी की पूरी मिलेगी या मृत्यु की स्थिति में आपके नॉमिनी को या लीगल हायर्स जो होंगे उनको वह सारी अमाउंट जो भी एश्योर की गई थी वो पूरी की पूरी अमाउंट का भुगतान किया जाएगा जीवन बीमा की अवधारणा अपने दैनिक जीवन में हम सभी विभिन्न प्रकार के जोखिमों का अनुमान लगाते हैं कोई भी भविष्य में उसे होने वाले नुकसान का अनुमान या सटीक अनुमान नहीं लगा सकता बाढ़ भूकंप बीमारी आग आदि के कारण नुकसान हो सकता है जहां भी संभावित नुकसान की अनिश्चितता होती है वहां नुकसान का खतरा होता है किसी जोखिम में रहने वाले व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि यह छोटा है तो वह इसे सहन कर सकता है लेकिन अगर यह बड़ा है तो वह इसे अकेले सहन करने की स्थिति में नहीं होता यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी नुकसान हो उसके लिए कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता इतना जरूर है कि अगर हानि छोटी है तो हम अपने आप उसको सहन कर सकते हैं बिना बीमा के भी लेकिन अगर हानि बड़े होने की संभावना है या हानि बड़ी हुई है तो बिना बीमा के उसको सहन करना वहन करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है इसलिए जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कोई उपकरण या योजना अपनाना बुद्धिमानी होगी ऐसा उपकरण बीमा है जो व्यक्ति को विभिन्न जोखिमों से बचाता है जिनकी उसे आशंका होती है जब आप जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो जीवन बीमा कंपनी आपको पॉलिसी की निर्दिष्ट अवधि के दौरान जितने समय के लिए बीमा पॉलिसी की गई है उस अवधि के दौरान किए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में संपूर्ण जीवन कवर प्रदान करती है आप जो प्रीमियम देते हैं जीवन बीमा पॉलिसी के लिए उसके बदले में आपका जीवन कवर किया जाता है यदि कोई प्रतिकूल घटना घटित होती है एग्जाम्पल के लिए अगर डेथ कॉज होती है तो जीवन बीमा एक मुश्त भुगतान प्रदान करके आपके प्रियजनों के भविष्य की रक्षा करता है जिसे मृत्यु लाभ के रूप में भी जाना जाता है पॉलिसी अवधि समाप्त होने के बाद कुछ जीवन बीमा पॉलिसी आपको परिपक्ता लाभ भी प्रदान करती हैं। तो किसी अनहोनी स्थिति में अगर जीवन बीमा की हमने पॉलिसी ली हुई है तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिजनों को हमारे नॉमिनीज को वह पूरी की पूरी एकमुश्त अमाउंट जो कि बीमा पॉलिसी में एश्योर की गई थी वो प्रदान की जाती है और इन केस अगर हम सरवाइव कर जाते हैं तो फिर हमें मैच्योरिटी क्लेम भी दिया जाता है जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी जितना बीमा आपने प्रीमियम में जमा किया है वह आपको दिया जाएगा विभिन्न प्रकार की विभिन्न पॉलिसी हो सकती हैं कुछ पॉलिसी खत्म होने के उपरांत आपको फिर कवर नहीं करती कुछ पॉलिसीज मैच्योर हो जाने के बाद में आपसे आगे प्रीमियम नहीं लेती लेकिन आपको आगे के कई वर्षों तक आपको उसमें कवर रखती हैं संक्षेप में कहें तो जीवन बीमा पॉलिसी के सभी फायदे भुगतान किए जा रहे प्रीमियम पर निर्भर करते हैं इसलिए ऐसी दर चुनना सबसे अच्छा है जो प्रबंधनीय हो बीमा धारक द्वारा समय पर सभी प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही जीवन बीमा पॉलिसी कार्य करती है आपको जितना प्रीमियम आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही प्रीमियम देना समझदारी है क्योंकि हम कुछ प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट्स के बाद में अगर हमारे लिए वो ज़्यादा है तो हम उसको पे नहीं कर पाएंगे और इस स्थिति में हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी इसलिए हमेशा बेटर रहता है कि जितना बीमा कवरेज प्रबंधनीय हो जितना प्रीमियम आपसे प्रबंधनीय हो उतना ही बीमा पॉलिसी लेना चाहिए जीवन बीमा आमतौर पर केवल एक निश्चित समय के लिए ही पेश किया जाता है इसलिए यदि इस दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा कंपनी को मृत्यु लाभ का भुगतान करना आवश्यक है जिसे आमतौर पर बीमा राशि के रूप में इंश्योरेंस अमाउंट के रूप में जाना जाता है हालांकि जीवन बीमा के प्रकार के आधार पर यदि आप कुछ अवधि तक जीवित रहते हैं तो आप परिपक्ता लाभ प्राप्त कर सकते हैं अभी हमने इसी चीज के बारे में चर्चा की कि अगर आप सरवाइव करते हैं तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल सकती है डेथ की सिचुएशन में आपके परिजनों को वह पूरी अमाउंट मिलेगी एक उदाहरण के लिए श्री अंकित ने एक्सवाइजेड लाइफ इंश्योरेंस से एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी बीस वर्षीय बीमा के तहत कुल बीमा राशि दस लाख रुपए और प्रीमियम भुगतान अवधि पॉलिसी अवधि के बराबर है जिसका वार्षिक प्रीमियम 25 है। 20 साल के लिए पॉलिसी ली और पच्चीस हजार रुपए के वार्षिक प्रीमियम के अनुसार उसने खरीदा यदि श्री अंकित पॉलिसी की अवधि तक जिंदा रहते हैं यानी कि बीस वर्ष तक तो गारंटीकृत राशि का भुगतान लाभ के रूप में भी किया जाएगा यानी कि जो दस लाख रुपए हैं, वह लेने के लिए एंटाइटल्ड होंगे आफ्टर अमाउंट। श्री अंकित की जीवन बीमा पॉलिसी इस प्रकार काम करेगी यदि श्री अंकित पॉलिसी अवधि पूरी कर ले उन्होंने पांच लाख रुपए के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है पच्चीस हजार सालाना के हिसाब से उसे एक साथ दस लाख रुपए प्रयुक्ता लाभ लागू होगा और बोनस भी मिलेगा इसके अलावा परिपक्ता लाभ का भुगतान होने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी यदि श्री अंकित की दसवें पॉलिसी वर्ष के दौरान मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में उन्होंने जीवन बीमा के लिए कुल ढाई लाख रुपए का प्रीमियम भरा है दसवें पॉलिसी वर्ष में उनके नामांकित व्यक्तियों को कुल दस लाख रुपए और कोई भी प्रासंगिक बोनस मिलेगा मृत्यु लाभ के भुगतान के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी यानी कि अंकित की दस साल के बाद में अगर डेथ हो जाती है जबकि बीस साल की पॉलिसी थी तो जितना भी इंश्योरेंस अमाउंट अश्योर किया गया था वो सारा का सारा पैसा उसके परिजनों को मिलेगा यदि श्री अंकित ने बीमा खरीदते समय पॉलिसी सुरक्षा का चयन किया है तो दसवें वर्ष में उनकी मृत्यु होने पर निम्नलिखित होगा पहली चीज पॉलिसी उसके परिवार को दसवें पॉलिसी वर्ष में दस लाख रुपए के मानक मृत्यु लाभ का भुगतान करेगी उनकी मृत्यु के बाद जो भी अमाउंट होगी वो उनको पे किया जाएगा पॉलिसी का मूल्य बढ़ता रहेगा पॉलिसी विल रिमेन इन कॉन्टीन्यूट या बीस साल की पॉलिसी अवधि के समानपन पर बीस साल समाप्त हो जाने पर दस लाख रुपए प्लस कोई भी लागू बोनस के सुनिश्चित परिपक्ता मूल्य का भुगतान करेगा उसके बाद के अमाउंट जो है वो कंपनी बियर करती है आपकी डेथ के बाद की अमाउंट को और मेच्योरिटी हो जाने के बाद उस पॉलिसी के वो जितनी भी अमाउंट बनती है दैट विल बी पेड टू योर लॉड जीवन बीमा के स्कोप की हम बात करें अगर जीवन बीमा के अव... हमने अभी अवधारणा के बारे में बात करें कि क्या कॉन्सेप्ट है कैसे वो काम कर रही है पॉलिसी मेच्योरिटी अमाउंट किस तरीके से मिलेगी किसको मिलेगी वो भी हमने बात की जीवन बीमा के स्कोप की अगर हम बात करें तो पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज का विकल्प चुनते हुए परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ बीमा राशि का चयन करना आवश्यक है वो बीमा राशि उपयुक्त होनी चाहिए जीवन बीमा के समग्र दायरे को परिभाषित करने के लिए कुछ लाभ सूचीबद्ध हैं कि क्यों बीमा राशि हमें जीवन बीमा हमें अपना करवाना चाहिए क्यों उपयुक्त बीमा राशि का ही चयन करना चाहिए पहला लाभ जो है वो अपने परिवार के लक्ष्यों को सुरक्षित करें परिवार के मुख्य कमाने वाले के रूप में आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं यदि आपके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है तो आपके परिवार को मिलने वाला मृत्यु लाभ उन्हें आरामदायक जीवन शैली बनाए रखने में मदद करेगा कम से कम जिस लेवल की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं जिस प्रकार का उनका एक खर्चा और एक उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है वो उसको मेंटेन करने में कामयाब हो पाएंगे बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करें आप अपने बच्चों को सर्वोत्तम हर चीज उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं एक जीवन बीमा योजना आपको अपने बच्चे के सपनों और आकांक्षाओं को सुरक्षित करने के लिए अनुमति देती है भले ही आप अब आसपास नहीं क्योंकि आपने पॉलिसी ली हुई है उस पॉलिसी के अमाउंट से वो कुछ सर्वाइव कर सकते हैं पॉलिसी मूल कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी और बच्चे को मूल कार्यक्रम के अनुसार मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्रदान किया जाएगा अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि 20 साल की पॉलिसी है दसवें वर्ष में मृत्यु हो जाने पर पॉलिसी को 20 साल तक कंपनी कंटिन्यू रखेगी और उसके बाद आपको मेच्योरिटी बेनिफिट जैसा आपको पहले मिलना था वो सारी पॉलिसीज के बेनिफिट बोनस एक्सेट्रा आपको सबको प्रदान किए जाएंगे इसके बिना किसी वित्तीय संकट के बच्चे को शिक्षा को वित्त पोषित करने में मदद मिलेगी अगर उनका कोई स्कूल का खर्चा है कोई भी उनके पॉलिसी के जिस पैसों से आप काम चला रहे थे वो तो सारा का सारा उनको वैसा का वैसा पैसा मिलता रहेगा उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी भविष्य उनका सुरक्षित किया जा सकता है तीसरा स्कोप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का है कि आपकी देनदारियों का ये ख्याल रखता है आपकी जीवन बीमा पॉलिसी आपकी देनदारियों का ख्याल रखती है किस प्रकार अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए आप जो विभिन्न ऋण और देनदारियां जो आपकी लोन्स हैं जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो लेते हैं वे आपके अनु में आपके परिवार के लिए बोझ बन सकती हैं इसी प्रकार अधिकांश उच्च उच्च वाले ऋण जैसे ग्रह ऋण आमतौर पर ऋण सुरक्षा बीमा योजनाओं के साथ जोड़े जाते हैं जिन्हें हम लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लोन्स के नाम से भी जानते हैं हमें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लोन्स लेने पड़ते हैं हमारी देनदारियां होती हैं हमारी मृत्यु की सिचुएशन में जो हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई है वो उस समय पर काम आती है हमारे परिवार के ऊपर में कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है इसके अलावा हम जो बहुत महंगे लोन लेते हैं जैसे कि गृह लोन लेते हैं उस समय पर कुछ ऐसे प्लान हैं कि पॉलिसी खत्म होने से पहले अगर लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है तो बाकी का पैसा घर वालों को नहीं भरना पड़ता तो कुछ इस तरह के प्लान्स जो हैं वो हमें लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर में कवरेज मिलते हैं चौथा स्कोप अगर हम बात करें बीमा इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस की वो ये है कि ये भविष्य के लिए आपकी तैयारी करवाता है तो किस प्रकार वार्षिकी आधारित योजना या अन्य बचत योजनाओं के साथ आप बीमा के साथ साथ धन के दोहरे लाभ का आनंद ले सकते हैं इस प्रकार बीमा को परिवार की वित्तीय योजना के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है आप किसी ना किसी रूप में बचत करते हैं ऐसा नहीं है कि बीमा इंश्योरेंस के पॉलिसी में जो आपने पैसा दिया वो वार्षिक रूप से खत्म हो जाता है कुछ इस प्रकार की भी पॉलिसीज हैं जहां पर आपको आपने जो पूरे साल का जो पैसा दिया है वो जमा होता है और मैच्योरिटी होने के बाद उस पॉलिसी के आपको वो सारा दिया हुआ पैसा वापस मिलता है इस तरह से आप अपने पैसे को बचत में भी कर सकते हैं इसको हम एक बचत योजना का आधार मान सकते हैं ये हो सकता है कि उस वार्षिक प्रीमियम का रेट कुछ ज़्यादा हो नॉर्मल पॉलिसी के मुकाबले लेकिन एक साल की पॉलिसी का पैसा प्रीमियम अगर वो लैप्स कर जाए उससे बेटर है कि हम थोड़ी महंगी पॉलिसी लेके और उसको हम अपने जमा उसमें माने ताकि हमें आखिरी में वो सारा पैसा वापस मिल सके पांचवा जो स्कोप है आपका जीवन बीमा पॉलिसी का वो है आपका कर लाभ ऑब्वियसली आप इससे टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं और बड़ा लाभ जिसका आप लाभ उठा सकते हैं वो है कर बचत आप आयकर अधिनियम इनकम टैक्स की धारा सी के अनुसार बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर डेढ़ लाख रुपए तक का कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं डेढ़ लाख रुपए तक आप अपने पैसों को पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा साथ ही आप अपने नामांकित व्यक्ति जिसे हम नॉमिनी कहते हैं को प्राप्त मृत्यु या मैच्योरिटी लाभ धारा टेन टेन डी के तहत कर मुक्त होगा जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी या आपके नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वो भी कर मुक्त डिक्लेयर किया गया है तो इस प्रकार से ये कुछ जीवन बीमा के स्कोप हैं कि क्यों जीवन बीमा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या उसके हमारे लिए जीवन में फायदे हो सकते हैं क्यों हमें इस बीमा पॉलिसी को करवाना चाहिए अब हम बात करते हैं जीवन बीमा के प्रकार कि जीवन बीमा कितने प्रकार के होते हैं वट आर द का ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा अमूर्त है मींस जीवन बीमा इंटेंजिबल है जैसे हम देख या छू नहीं सकते हम इसे महसूस या देख नहीं सकते आधुनिक समय में दुनिया भर में जीवन बीमा पॉलिसियां सात महत्वपूर्ण प्रकारों से विभिन्न तरीके से चिन्हित की गई हैं पहली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरी होल लाइफ पॉलिसी यानी संपूर्ण बीमा पॉलिसी तीसरी बंदोबस्ती पॉलिसी यानी एंडोमेंट पॉलिसी चौथी मनी बैक पॉलिसी पांचवी वार्षिकी और पेंशन यानी कि एनुटीज एंड पेंशन छठी बाल बीमा योजना यानी कि चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान और सातवीं सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब हम एक एक करके इन सातों प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए शुद्ध जोखिम कवर करता है जितना समय उस पॉलिसी के लिए लिखा गया है उस टाइम को वो शुद्ध रूप से कवर करता है सामान्य शब्दों में इसका मतलब है कि बीमा राशि तभी दे होती है जब पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दस साल की अवधि के लिए दस लाख रुपए की पॉलिसी लेता है चयन करता है यदि उस दस साल की अवधि के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी पैसे का हकदार होता है वरना नहीं होता है दिस इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होल लाइफ पॉलिसी संपूर्ण जीवन पॉलिसी मृत्यु के विरुद्ध एक और अलग बीमा कवर है चाहे वह किसी भी समय हो इस योजा के तहत पॉलिसी धारक अपनी मृत्यु तक नियमित प्रीमियम का भुगतान करता है जिसके बाद पैसा उसके कानूनी प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है हालांकि यह पॉलिसी सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों के दौरान बीमा धारक की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है और यह किसी व्यक्ति की बढ़ती हुई जरूरतों का कोई खास विशेष ध्यान नहीं रख पाती है क्योंकि जो कुछ आपने जोड़ा है वही आपकी मृत्यु के उपरांत आपके नॉमिनीज़ को मिलता है तीसरी तरह की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो है एंडोमेंट पॉलिसी यह जोखिम कवर और वित्तीय बचत का एक संयोजन है एक कॉम्बिनेशन है जीवन बीमा की दुनिया में एंडोमेंट पॉलिसियां सबसे लोकप्रिय है, पॉलिसियां हैं एंडोमेंट पॉलिसी में बीमित व्यक्ति के पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर भी बीमा राशि दे होती है आपकी मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में वो आपको दे रहती है यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तब उस स्थिति में बिना कंपनी को किसी अन्य शुद्ध जोखिम कवर की तरह ही बीमा राशि का भुगतान करना होता है ऐसी पॉलिसी लागत थोड़ी अधिक है लेकिन इसके मूल्य के लायक है चौथी जीवन बीमा पॉलिसी आपकी मनी बैक पॉलिसी है इन नीतियों को एक निर्धारित अवधि में प्रत्याशित खर्चों में यानी कि एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस में जिन्हें कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं शिक्षा के खर्चा विवाह का खर्चा आदि इन चीजों का हमें मालूम है कि ये प्रत्याशित खर्चे हैं कभी ना कभी होंगे तो इन नीतियों को एक निर्धारित अवधि में प्रत्याशित खर्चों के रूप में आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है ये वो मनी बैक पॉलिसी है जो एक मैच्योरिटी समय समय पर होती है आपके बच्चे की शिक्षा के वक्त में आपके बच्चे की शादी के वक्त में आपको एक अमाउंट उसमें से मिलता रहता है तो इसलिए उन पैसों को संचित किया जाता है मुद्रास्फीति एक बड़ा मुद्दा बनने के साथ कंपनियों को एहसास हुआ कि कभी कभी पॉलिसी का मौद्रिक मूल्य मनी वैल्यू कम हो जाता है इसलिए बीमा राशि का एक हिस्सा नियमित अंतराल पे दे होता है एक फिक्स है पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से उस, उस समय पर आपको उस पॉलिसी का पैसा मिलता रहेगा जीवित रहने पर बीमा राशि की शेष राशि प्रदान की जाती है मृत्यु के मामले में बीमा धारक को पूरी राशि दे होती है यानी कि अगर आप सरवाइव कर जाते हैं तो जितना पैसा उन खर्चों के बाद में बचा है जो शिक्षा में लगाया जो विवाह में लगाया उसके बाद मेच्योरिटी पर वो पैसा मिल जाता है अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर बीमा धारक के परिजनों को वो पूरी राशि दे होती है पांचवी तरह की जो जीवन बीमा पॉलिसी है वो है आपकी वार्षिकी और पेंशन एन्यूटीज एंड पेंशन वार्षिकी में अगर एन्यूटीज की बात करें तो एन्य में बीमा करता बीमा धारक को यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को समय समय पर एक निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है वार्षिकी का उद्देश्य जोखिम के साथ रक्षा करने के साथ साथ नियमित अंतराल पर पेंशन के रूप में धन प्रदान करना होता है वह तो आपकी सुरक्षा भी करता है और एनुटीज के रूप में वार्षिक रूप में आपको एक अमाउंट भी पे करता है पिछले कुछ वर्षों में बीमाकर्ताओं ने विभिन्न वर्गों के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी बीमा पॉलिसियों में विभिन्न सुविधाएं जोड़ी हैं छठी प्रकार की जो आपकी जीवन बीमा पॉलिसी है वो है बाल बीमा योजना यानी कि चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बच्चों की शिक्षा के लिए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान भी आज के समय की आवश्यकता है बाल बीमा योजनाएं अनिवार्य रूप से जीवन बीमा पॉलिसीयां हैं जिन्हें आप अपने बच्चे की भविष्य की सुरक्षा के लिए खरीदते हैं यह जीवन बीमा प्रदान करने के अलावा आपके बच्चे के लक्ष्यों और इच्छाओं का समर्थन करने के लिए एक शिक्षा कोष बनाने में मदद करती है सहायता करती है चाइल्ड प्लान आपको बीमा और निवेश को मिलाकर अपने बच्चे की भविष्य की जरूरतों के लिए धन बनाने में सुविधा प्रदान करता है एक ठोस वित्तीय सहायता बनाने के लिए आप अपने बच्चे के जन्म के साथ ही इन योजनाओं में निवेश करना शुरू कर सकते हैं सबसे अच्छी बात जो हम लोगों के लिए कि हम एक बहुत छोटे अमाउंट से लेकर इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कुछ लाख रुपए ही देने पड़ेंगे हम कुछ सौ से भी इन पॉलिसियों को एक बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर हम किसी स्थिति में हमारी मृत्यु होती है हम देने के लायक नहीं रहते हैं तो बच्चे की शिक्षा निरंतर चलती रहेगी उसको वो अमाउंट जो उस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट होती रहेगी सातवें प्रकार की जो बीमा पॉलिसी है वो है आपकी सेवन रित्ति लाभ दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स आप सेवन रित्ति जमा करने में मदद के लिए इन जीवन बीमा पॉलिसियों का उपयोग करके सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों का आनंद ले सकते हैं समय समय पर आपने पूर्ण संपूर्ण जीवन आपने कुछ पैसा जोड़ा क्योंकि आपको रिटायरमेंट के कुछ बेनिफिट चाहिए थे एक पेंशन के तरीके से आपको वो पैसा चाहिए था आप अपने जीवन साथी को अपनी पॉलिसी के लाभार्थी के रूप में नामांकित कर सकते हैं इस प्रकार आपके साथ कुछ घटित होने की स्थिति में वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं यानी कि जो पैसा आपको मिल रहा था रिटायरमेंट के बाद में वही आपके नॉमिनी को भी कंटिन्यूड रहता है इसके अतिरिक्त, बेहतरीन जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने से आपको सेवन रीति संबंधी चिकित्सा लागतों को कवर करने में सहयोग मिलता है विभिन्न प्रकार की चिकित्सा समस्याएं हमारे रिटायरमेंट के बाद की एज से हमारे साथ स्टार्ट होती हैं तो ये पैसा जो हमें मिल रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में वो उस पैसे से हम अपनी मदद कर सकते हैं तो ये कुछ आपकी जो है जीवन बीमा सात प्रकार की पॉलिसीज हैं जिनमें से किसी का भी चयन हम अपने भविष्य अपने परिवारजनों की भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने बजट और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी इच्छाओं के अनुसार हम उसको खरीद सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हमने किस पर्पज के लिए उस पॉलिसी को खरीदा है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पॉलिसी जो आप भर रहे हैं वो निरंतर चलती रहे यानी कि जो पॉलिसी अमाउंट आप शुरुआत में डिसाइड करें वो आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर होनी चाहिए आप पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट पर मत जाइए आप प्रीमियम देखिए कि क्या आप वो महीने में या वार्षिक रूप से या अर्धवार्षिक रूप से आप उसको पे कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिसी का कंटिन्यू रहना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद कि बीमा का दायरा क्या है किस तरह की पॉलिसीज होती हैं क्यों हमें उनको चयन करना चाहिए किस तरह से हमें चयन करना चाहिए अब हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का गठन कैसे होता है कैसे एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कैसे फॉर्मड होती है उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया जाता है तो कुछ सिद्धांत हैं इसके जिन सिद्धांतों पे चल के एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो गठन किया जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की यानी कि मौलिक सिद्धांतों की जाहिर है जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में भी पता किया और अभी भी हम इस बारे में बात करते हैं कि जीवन बीमा अनुबंध एक अनुबंध है एक कॉन्ट्रैक्ट है जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो फिर आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्नड हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन बीमा अनुबंध एक अनुबंध है भारतीय बीमा अधिनियम 1872 की धारा 2H और धारा 10 के तहत अनुबंध के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो सभी प्रकार के अनुबंधों पर लागू होते हैं हम अच्छे से जानते हैं कि सेक्शन 2H और जो सेक्शन 10 है उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आ जाते लिए उनमें तो उन से अगर आप किसी भी घटक को चूझ जाते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड ना होते हुए हो सकता है तो हमें ध्यान देना है कि जब भी एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करें तो कुछ कारण है कुछ घटक गट हैं जिनको हमें फुलफिल करना होगा कुछ सिद्धांत हैं हमें पूरा करना होगा तो जब हम फंडामेंटल तो प्रिंसिपल्स एक तरफ से प्रस्ताव हो और दूसरी तरफ से स्वीकृति हो एग्रीमेंट हो दोनों तरफ से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम इसको एक एक करके आगे अभी डिस्कस भी करेंगे दूसरी जो जरूरी सिद्धांत है वो है अनुबंध करने की योग्यता या क्षमता आपकी कॉम्पिटेंसी है या नहीं है टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट आपकी कैपेसिटी है या नहीं है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सके तीसरी आवश्यकता है स्वतंत्र सहमति यानी कि फ्री कंसेंट सहमति किसी भी प्रकार से दबावपूर्ण या किसी भय से नहीं ली होनी चाहिए चौथी जरूरत है हमारी कानूनी प्रतिफल राशि यानी कि कंसिडरेशन अमाउंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसमें एक कंसिडरेशन अमाउंट दी जाएगी पांचवी सिद्धांत है हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल है विधि संगत उद्देश्य आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर आप ये पांच चीजों को सिद्धांतों को पूरा करते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि आपने एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को फुलफिल किया है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की पूरी हो गई हैं तो समझ लीजिए कि आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रॉपर तरीके से क्या है, क्या है, क्या है, क्या होते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं समझौता प्रस्ताव और स्वीकृति कैसे माना जाएगा कि, कि किसने प्रस्ताव दिया क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रस्ताव देती है या आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रस्ताव देते हैं और कंपनी सहमति देती है हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है अन्य सभी अनुबंधों की तरह जीवन बीमा का अनुबंध भी प्रस्ताव और स्वीकृति के माध्यम से संपन्न होता है एक पार्टी प्रस्ताव देती है ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्टेंस देती है तभी वो एग्रीमेंट बनता है और अगर उस एग्रीमेंट में बाकी कॉम्पोनेंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं जो तो सेक्शन टेन की रिक्वायरमेंट है तो फिर वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है जो लोग बीमा कराना चाहते हैं और पॉलिसी खरीदने का इरादा रखते हैं वे प्रस्ताव देते हैं यानी कि हम लोग प्रपोजल देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग प्रस्ताव देते हैं और दूसरा पक्ष जो जोखिम उठाने के लिए तैयार है यानी कि इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी वह स्वीकृति देता है तो जब हम शुरुआत में अपना फॉर्म भरते हैं वो हमारा प्रपोजल फॉर्म होता है हम कंपनी को प्रपोजल दे रहे होते हैं वहां पर ये नहीं है कि हमने एक बार प्रपोजल फॉर्म भर दिया तो वो इंश्योरेंस बन गया हमारा एजेंट जब हमें अप्रोच करता है वो हमसे एक फॉर्म भरवाता है वो प्रपोजल फॉर्म है वी आर प्रपोजिंग द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस हमारी सारी चीजों को देखने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो अपनी सहमति दे या ना दे स्वीकृति दे या ना दे तो जीवन बीमा के मामलों में प्रस्ताव को प्रस्ताव कहा जाता है यदि जीवन बीमा कंपनियां प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हैं तो इसे एक समझौते में बदल दिया जाता है तो हम प्रपोजल फॉर्म को फिल करके कंपनी को एक प्रस्ताव देते हैं उसको पढ़ने के बाद अंडर पढ़ने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसे स्वीकृति देती है एक्सेप्टेंस देती है और जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाते हैं तो वह एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है एक स्पष्ट और संक्षिप्त रूपरेखा जो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी सौदे के नियमों और शर्तों को रेखांकित करती है उसे व्यवसायिक क्षेत्र में अनुबंध के रूप में जाना जाता है ऐसे ढांचों के उदाहरणों में शामिल हैं कार्य का द्वारा डिलीवरी शेड्यूल और विधि भुगतान की शर्तों सहित प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारियां समाप्ति की शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत है और उन्हें निभाने में सक्षम है समझौतों की आवश्यकता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक अनुबंध को बनाने के लिए ये कुछ ढांचे हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ता है कि क्या सभी सेवाएं आपको मिलेंगी कब आपको वो प्रदान करी जाएंगी कितनी अवधि के लिए वो आपको दी जाएंगी पाँच साल के लिए अभी साल के लिए भुगतान की शर्तें कैसी होंगी कब वो आपको प्रीमियम पॉलिसी आप कैसे भरेंगे प्रीमियम अमाउंट कैसे आप डिपॉजिट करेंगे इसके अलावा कितने कितने समय में आप उनको देंगे दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को उसमें तय किया जाता है और कब वह पॉलिसी समाप्त होगी उस समय पर क्या नियम और शर्तें होंगी ये सारी चीजें पूरी करने के बाद में एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की की स्थापना की जाती है तो एक अनुबंध अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वह यही है कि एक एग्रीमेंट जब सारूरी अनुबंध की जो कानूनी जरूरतें हैं उनको पूरी कर लेता है तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो एक अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता है, जबकि एक समझौता एक कोई एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो कॉन्ट्रैक्ट वो तब होगा जब हम उसे कानूनी रूप से लागू करने के योग्य हम समझौता करेंगे ऐसा एग्रीमेंट हम करेंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा जो सेक्शन टेंस की जो हमने अभी बात की थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा इसे दूसरे तरीके से कहें तो सभी समझौते अनुबंध नहीं हो सकते लेकिन सभी अनुबंध एक प्रकार से समझौते होते हैं एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है एल बनाम राजा वसी रेड्डी 1984 में डिसाइड हुई थी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बीमा प्रस्ताव के मामले में चुप्पी सहमति का संकेत नहीं देती है अगर आप किसी चीज के बारे में चुप हैं तो उसे सहमति नहीं माना जा सकता और कोई बाध्यकारी अनुबंध तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक कि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है वह अपनी स्वीकृति को दर्शाने के लिए कुछ नहीं कहता या करता है आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी में प्रपोजल फॉर्म भेजा है और कंपनी ने उस पर अभी चुप्पी साधी हुई है अपना नहीं दिया है आपको पॉलिसी इश्यू नहीं की है तो दुर्घटना तो जो फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट है वो मैंने पे कर दिया था और मेरी पॉलिसी वैलिड है अभी तक क्योंकि कंपनी ने अपना समझौता नहीं स्पष्ट किया है उसने स्वीकृति नहीं दी है तो वो पॉलिसी एग्जिस्टेंस में नहीं मानी जा सकती एल आई सी बनामा नाइनटीन नाइन में न्यायालय ने माना कि स्वीकृति तभी पूर्ण होती है जब इसकी सूचना प्रस्तावक यानी कि प्रपोजर को दी जाती है कंपनी अपनी सूचना आपको कैसे देगी आपने प्रपोजल भेजा कंपनी अपनी स्वीकृति आपको पॉलिसी इश्यू करके देती है प्रीमियम की प्राप्ति और उसे अपने पास रख लेने के बाद केवल चुप्पी को स्वीकृति नहीं माना जा सकता कंपनी के पास अगर आपका प्रपोजल फॉर्म गया है या काफी समय पहले आपने एक प्रीमियम की एक अमाउंट भी उसको भेज दी है तो इससे यह नहीं माना जाएगा कि आपकी इंश्योरेंस हो चुकी है जब तक कि कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू ना करे वही कंपनी की असली स्वीकृति मानी जा सकती है और तभी आप एक अनुबंध में आते हैं एस में खरीडिया बनाम मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल प्रीमियम की पहली किश्त के साथ प्रस्ताव फॉर्म प्रपोजल फॉर्म जमा करने से अनुबंध नहीं होता है बीमा कंपनी को जोखिम को अंडर करने और संचार यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे इसके बाद ही पॉलिसी दस्तावेज जारी किया जाता है पिछले दो केसों में भी इंपॉर्टेंट केसेस में भी हमने यही देखा इस तीसरे केस के साथ में कि सिर्फ आपकी पहली किस्त जमा कराने और प्रपोजल फॉर्म जमा कराने से किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं होता है आपके प्रपोजल फॉर्म को कंपनी अंडर करती है पहले रीड करती है अंडर करती है और उसके बाद एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और फिर वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको कॉम्युनिकेट किया जाता है आपको मेल के द्वारा या आपको एड्रेस पे लेटर के द्वारा या पॉलिसी के द्वारा आपको कॉम्युनिकेशन किया जाता है कि आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है इसके बाद ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है और आप एक लीगल वे में आप एक अनुबंध में एंटर करते हैं तो सिर्फ एक किस्त जमा कराना या प्रपोजल फॉर्म जमा कराना और उसके बाद पॉलिसी ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो आप किसी भी प्रकार के अमाउंट को लेने के हकदार नहीं होते हैं दूसरी जो आवश्यकता है फंडामेंटल समझौतों की जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जो हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल की जो हम बात कर रहे हैं तो पहली जरूरत थी प्रपोजल एंड अक्सेप्टेंस की हमने समझा कि कब तक प्रपोजल रहेगा वो और कब एक्सेप्टेंस बनेगी और प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होगा तो वो एग्रीमेंट का और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा दूसरी आवश्यकता जो एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए है वो है अनुबंध करने की योग्यता या क्षमता

कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं कह सकते हैं यू हैव ए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इसके अलावा जो स्वस्थ दिमाग रखता है साउंड माइंड ये एक बहुत आवश्यकता है किसी व्यक्ति का आपको अगर मानसिक रूप से मान लीजिए दिमागी रूप से अगर वो तकलीफ में है उसकी हालत ठीक नहीं है दिमागी रूप से तो ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता या जो व्यक्ति किसी भी कानून के तहत अनुबंध करने से अयोग्य नहीं है जिसके अधीन वह है तो वही व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा अगर आप डी बार बाय लॉ नहीं है आपको कानून इजाजत देता है किसी तरीके की तो फिर आप कह सकते हैं कि आप कॉम्पिटेंट हैं टू एंटर इन टू ए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तता की जब हम बात करें हालांकि हमने भी बात की कि एक व्यक्ति जो अनुबंध करने में सक्षम नहीं है वह अभी भी अनुबंध अधिनियम अठारह की धारा ग्यारह के प्रावधानों की मदद से अनुबंध का लाभार्थी हो सकता है जैसा मैंने आपसे बात की कि 18 साल की उम्र हमारे यहाँ पर व्यस्तता मानी जाती है यानी कि एडल्ट एज मानी जाती है आप इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकते हैं लेकिन अठारह वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का हकदार हो सकता है यानी कि नाग भी बीमा राशि का वसूलने का हकदार हो सकता है ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी बनाम मदनलाल सोनूलाल में बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वह व्यक्ति नाबालिग था जिसके पक्ष में सामान का बीमा किया गया था कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बीमा राशि वसूलने का हकदार होगा एक और जो लैंडमार्क जजमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के दौरान भी देखते हैं वो है आपकी मौरी बेबी बनाम धर्मोदास घोष इसमें यह देखा गया कि एक नाबालिग द्वारा स्वयं किया गया अनुबंध ना केवल रद्द करने योग्य है बल्कि शुरू से ही अमान्य है नाबालिग खुद अपने आप से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं लेकिन एक नाबालिक अपने माता पिता या अभिभावकों के माध्यम से अनुबंध में प्रवेश कर सकता है ऐसा अनुबंध हालांकि नाबालिग को बाध्य करता है लेकिन उस पर व्यक्तिगत दायित्व नहीं डालता है तो एक नाबालिग व्यक्ति भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है लेकिन उसके लिए माता पिता या उसको अपने अभिभावकों के माध्यम से ही वो उस अनुबंध में एंटर कर सकता है एक नाबालिग किसी अनुबंध का लाभार्थी हो सकता है भले ही यह किसी अनुबंध में प्रवेश ना कर सकता हो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार एक नाबालिग को साझेदारी फर्म से लाभ हो सकता है भले ही उसे भागीदारी बनने की अनुमति नहीं है एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं नाबालिग के सिचुएशन को उदाहरण के लिए राकेश अपने पड़ोसी अमित से कुछ पैसे देने पर जमानत के तौर पर अपना घर गिरवी रखने के लिए कहता है अमित सहमति दे देता है और राकेश के दस वर्षीय बेटे सैम को बंधक विलेख में प्राथमिकता दी जाती है यानी कि मोर्गे जेड में उसको प्राथमिकता दी जाती है सैम के प्राकृतिक अभिभावक राकेश ने अमित द्वारा ऋण चुकाने में चूक के बाद पैसे वापस पाने के लिए अमित के खिलाफ मुकदमा दायर किया चूंकि एक नाबालिग को अनुबंध से लाभ हो सकता है इसलिए मामले पर न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है कोर्ट इस मामले को डिसाइड कर सकती है स्वस्थ दिमाग की जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति के अनुबंध में प्रवेश करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ दिमाग वाला माना जाता है यदि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार वह समझौते की शर्तों को समझने और यह समझाने में सक्षम है कि वे उसके हितों को कैसे प्रभावित करेंगे हम एक स्वस्थ दिमाग को कैसे पता करेंगे कि वो उस कैपेसिटी में है कि उस चीज़ को समझ सके कि वो क्या करने जा रहा है यह पॉलिसी उसको किस प्रकार से मदद करेगी इस पॉलिसी को चालू रखने के लिए उसे कितनी पेमेंट करनी है या क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है अगर वो इतना समझने में सक्षम है तो हम उसे कुछ स्वस्थ दिमाग के रूप में मान सकते हैं यहां पर यह या याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो आमतौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ है लेकिन कभी कभी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त रूप से सोच सकता है वह तो किसी भी समय ऐसा कर सकता है क्षनिक परिस्थितियों में भी कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का नहीं है अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता है विकृत मानसिक वाला व्यक्ति किसी अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकता ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शून्य है यानी कि वॉर्ड है किशोरों और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अलावा कुछ लोगों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है मतलब यह कि उनमें अनुबंध करने की क्षमता का अभाव है यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं अयोग्यता के आधारों में राजनीतिक स्थिति कानूनी स्थिति और अन्य कारक शामिल हैं विदेशी राजदूत और संप्रभु विदेशी शत्रु कैदी दिवाली आदि इन लोगों के कुछ आधारण है इन लोगों को भी इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है तीसरी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए वो है स्वतंत्र सहमति दैट इज फ्री कंसेंट दैट इज पार्टीज मस्ट बी एट एड यू कैन से जब अनुबंध करने वाले दोनों पक्ष अनुबंध के नियमों और शर्तों पर समान अर्थ और भावना से सहमत होते हैं और उनका पालन करने को तैयार होते हैं तो उन्हें स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट कहा जाता है जहां सहमति किसी आवश्यक तथ्य के बारे में जबरदस्ती क्वेश्चन धोखाधड़ी फ्रॉड अनुचित प्रभाव इन्फ्लुएंस गलत गलतनी मिसरिप्रेजेंटेशन या गलती मिस्टेक के माध्यम से प्राप्त की जाती है धोखाधड़ी को छोड़कर उस पक्ष के विकल्प पर अनुबंध अमान्य हो जाता है जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी धोखाधड़ी के मामले में अनुबंध रद्द हो जाएगा तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो सहमति ली गई है वह स्वतंत्र सहमति है या नहीं है अगर सहमति अंड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है क्वेश्चन से ली गई है मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है मिस्टेक से ली गई है तो वो वॉयडेबल है दोनों पक्ष सहमति से चाहें तो पॉलिसी को, को रिवाइव या कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन अगर कोई भी पॉलिसी फ्रॉड से ली गई है तो सिचुएशन में वो पॉलिसी वॉइड है नॉन एग्जिस्टेंस है फ्रॉम द वेरी जब निम्नलिखित सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो पार्टियों की सहमति स्वतंत्र मानी जाती है संपर्क के दौरान अनुचित प्रभाव मौजूद नहीं होना चाहिए कर्शन से रहित होना चाहिए मिस्टेक से अनुबंध करना उचित नहीं है गलत बयानी यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन करके भी आप पॉलिसी नहीं ले सकते हैं या आप पॉलिसी इश्यू नहीं कर सकते हैं बातचीत में किसी प्रकार की कोई नहीं होनी चाहिए जो आवश्यकता है फंडामेंटल प्रिंसिपल की वो है लीगल कंसिडरेशन की जीवन बीमा के अनुबंध में बीमा धारक प्रतिफल के रूप में प्रीमियम देता है जिसके बदले में बीमाकर्ता एक निर्दिष्ट आकस्मिकता पक्का एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है यानी कि एक लीगल कंसिडरेशन एक पैसा जो आप प्रीमियम के रूप में दे रहे हैं वो एक कंसिडरेशन अमाउंट है कि आप उस पॉलिसी में एंटर करना चाहते हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिफल वह कीमत है यानी कि वो प्रीमियम है जिसके लिए वादा खरीदा जाता है यानी कि पॉलिसी खरीदी जाती है और इस प्रकार मूल्य के लिए दिया गया वादा लागू करने यानी कि एनफोर्सेबल होता है एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं कंसिडरेशन को कि मान लीजिए मिस्टर मिस्टर एक्स वाई को अपनी कार दो लाख रुपए में बेचता है वाई उसे राशि का भुगतान करने के लिए सहमति देते हैं और प्रस्ताव स्वीकार करते हैं यह समझौता दो लाख रुपए के वैध प्रतिफल के साथ एक अनुबंध बन जाता है यानी कि जो लीगल कंसिडरेशन है वो बीच में दो लाख रुपए है पांचवा फंक्शनल जो आपका ये हमारा मौलिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है विधि संगत उद्देश्य यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट बीमा अनुबंध का उद्देश्य गैर कानूनी नहीं होना चाहिए यानी कि जो कानूनी रूप से हमारे लिए जो प्रदान की जाती है उसी तरह की कानूनी दायरे में रहकर वो पॉलिसी होनी चाहिए यानी कि जो पॉलिसी हम एंटर कर रहे हैं दैट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ कानून द्वारा निश्चित नहीं होनी चाहिए अनैतिक ना हो इमोरल ना हो नीति का विरोध ना हो दैट शुड नॉट बीज टू पब्लिक पॉलिसी कानून के प्रावधान को विफल करती हो, defeats the provision of law, ऐसी पॉलिसी आप नहीं मान सकते। दूसरी प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट जीवन बीमा बनाने के लिए बीमा एक अन्य आवश्यक पहलू है यह माना जाता है कि किया गया प्रत्येक अनुबंध संबंधित पक्षों द्वारा लागू करने योग्य है बशर्ते कि यह अवैध अनैतिक या सार्वजनिक नीति के विपरीत ना हो बीमा पात्र हित यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का अर्थ है वह हित है जो बीमा धारक के पास बीमा की विषय वस्तु में होना चाहिए और जिसे बीमा के अनुबंध द्वारा संरक्षित किया जा सकता है जीवन बीमा में बीमा पात्र हित को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन वंस ओन लाइफ और इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अदर्स यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी तीन चरणों में दावा कर सकता है पहला मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि जब आप दावा प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपको पॉलिसी धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रदान करनी होगी यानी कि डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा बीमा कंपनी बीमा धारक की असामिक मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को गारंटी की, की पूरी राशि का भुगतान करती है और दावा दायर करने की जो प्रक्रिया है वो काफी सरल है दूसरी जो बात हमने कही है वो है बीमाकर्ता के साथ संवाद करें यानी कि आप कम्युनिकेट करें इंश्योरेंस कंपनी को कि डेथ हो चुकी है इस तरह से आपको शीघ्र शिग, अतिशीघ्र आपको ये प्रक्रिया शुरू करनी होगी इसके अलावा दस्तावेजीकरण और कागजी कार्रवाई आपको पूरी करनी होगी सभी कागजों को आप पूरा करें सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज और कागजी कार्रवाई मौजूद है तो इस सारी डिस्कशंस के थ्रू हम इन चीज़ों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन बीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है किस तरह से उसका एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है हमने यह भी जाना है कि क्या एक सिर्फ अपनी प्रीमियम की एक अमाउंट दे देने से या खाली सिर्फ हम लोगों ने एक मान लीजिए प्रपोजल फॉर्म जमा कर दिया है तो क्या उसको सहमति मान लेनी चाहिए अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखे कि किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है ताकि आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें लाइफ इंश्योरेंस के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं अपनी पिछली चर्चा से कि जब आप जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो जीवन बीमा कंपनी आपको पॉलिसी की निर्दिष्ट अवधि के दौरान दिए गए प्रीमियम भुगतान के बदले में संपूर्ण जीवन कवरेज प्रदान करती है जीवन बीमा पॉलिसी के सभी फायदे भुगतान किए जा रहे प्रीमियम पर निर्भर करते हैं इसलिए ऐसी दर चुनना सबसे अच्छा है जो प्रबंधनीय हो जो आपसे मैनेज हो सकती हो पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज का विकल्प चुनते हुए परिवार की सुरक्षा के लिए उपयुक्त बीमा राशि का चयन करना आवश्यक है कि कितनी आपके परिवार की आवश्यकता है उसी के अनुसार आप अपनी पॉलिसी को चूज करेंगे जीवन बीमा अमूर्त है इंटेंजिबल है अर्थात इसे कोई महसूस या देख नहीं सकता सात प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसीज हैं जो हमने भी डिस्कस की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होल लाइफ पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी मनी बैक पॉलिसी एन्युटीज एंड पेंशन चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके अलावा बीमा कंपनी बीमा धारक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी को गारंटी की पूरी राशि का भुगतान करती है दावा दायर करने की प्रक्रिया काफी सरल और सीधी है जैसे ही बीमा धारक की मृत्यु हो जाए बीमा कंपनी को सूचित किया जाना चाहिए एक दावा प्रपत्र जिसे हम क्लेम फॉर्म के नाम से जानते हैं नामांकित व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए नोमिनी जो है वो क्लेम फॉर्म को पूरा भरेगा और आवश्यक कागजी कार्रवाई जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए तो हम इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन की जाती है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कौन कौन से सैद्धांतिक मूल्यों को हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब किस प्रकार से हमें एक जीवन बीमा पॉलिसी को फॉर्म करेंगे धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I will be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered. And Indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. Uh, the adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled in all of its adaptations almost as Appointment in Samara. Here is the story A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty handed. Indeed, the servant had all gone white and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. Why did you make a threatening gesture to my servant? asked the master to Death. And Death replied, It was not a threatening gesture, rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today because this evening, I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.